हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सर? तो एल्डिहाइड कीटोन्स हमारा चैप्टर चल रहा है। सॉरी यार, बड़े दिनों बाद आज एक वीडियो आ रही है। रीजन ये आपको पता ही है, सुपर रिवीजन बैच में मैं बिजी था, दैट्स व्हाई नहीं हो पाई। चलिए अब जल्दी से चैप्टर को निपटाते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और आज उसमें हम पढ़ेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के देखनी है और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। बहुत ही बढ़िया रहने वाली वीडियो है और बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ है, ध्यान समझिएगा। चलिए तो आप सभी को बताए दैट की अमोनिया क्या होता है। मतलब सबसे जरूरी आप ये याद रखो जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, सबसे जरूरी ये है। ये तो रिएक्शन बहुत आसान है, तो सबसे जरूरी है कि आप अमोनिया को याद रखिए। अमोनिया क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। और इसके डेरिवेटिव से मेरा क्या तात्पर्य है, डेरिवेटिव से हम लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है डेरिवेटिव का? डिराइव किया गया हो, अमोनिया से थोड़े बहुत पंगे लिए गए हो। अब पंगे लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसमें पंगे ले लेंगे तो क्या होगा भाई? मतलब देखो ऐसा होता है ना, चाय बनाते हैं, चाय किससे बनती है? पानी, चीनी, पत्ती, दूध, फिक्स है। बट उससे पंगे लें, अदरक, इलायची, सौंफ, तुलसी कुछ भी मिला सकते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, जो मेन है उसमें कुछ चीज ऐड कर दो। बट इसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज ऐड करते हैं ना तो किसी की बलि दी जाती है, किसी को निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम निकालते हैं किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पे आप कोई भी चीज जोड़ सकते हो। उस कोई भी चीज को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप जो मर्जी लिखो, मैं जेड से लिख रहा हूं, ठीक है? NH2 जेड। जेड मतलब आपने कोई भी चीज में जोड़ी है। और भी अच्छा क्या रहेगा, आप इसको ऐसे लिख लो इस तरह से NH2 जेड। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइड्रोक्सिलमाइन की। हाइड्रोक्सिलमाइन, मेरी बात पे फोकस करना आप लोग, मैं कहना चाहता हूं आपको हाइड्रोक्सिलमाइन आपने जेड में जोड़ना है। NH2 हाइड्रोक्सिल मतलब आप यहां पे OH लगा दो। एक होता हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होगा, देखो ये तो फिक्स है, ये तो हर जगह रहेगा NH2 और यहां पे एक और NH2, ये होता है हाइड्रोजन। एक होता है फिनाइल हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज फिनाइल हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज फिनाइल हाइड्रोजन, देखिए फोकस कीजिएगा मेरे बात पे। ये होता है हाइड्रोजन, ये है NH2 है ना। और फिनाइल का मतलब क्या है कि यहां पे बेंजीन लग गए, चलिए लगा दिया है बेंजीन। बट जब हम बेंजीन लगाएंगे तो इसके बॉन्ड ज्यादा होंगे, ये क्या हो जाएगा NH2NH बेंजीन। ये है फिनाइल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होता है ये लिखा, बट इसके साथ बेंजीन जोड़ दिया तो यहां से H हट जाएगा। एक होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन फोकस कीजिएगा, क्या होता है हाइड्रोजन, हमें पता है ये हो गया NH2 है ना, ये होता है हाइड्रोजन। फिनाइल का मतलब क्या होता है, जब यहां पे बेंजीन जुड़ जाता है, एक अच्छा मजा आता है। 2,4-डाइनाइट्रो का मतलब क्या है कि इसकी सेकंड पोजीशन पे, जहां पे ये लगा इससे सेकंड पोजीशन ये बनेगी, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे दो NO2 ग्रुप लग गए तो हो गया 2,4-डाइनाइट्रो। इसके बाद नेक्स्ट होता है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड ये भी कुछ इसी जैसा होता है, थोड़े से पंगे लिए गए हैं NH2, NH, CO, NH2 इस तरह से, ये होता है सेमी कार्बाजाइड। क्लियर होता है, आगे बढ़े। एक और आप लोग लगा सकते हो, मतलब ये वैसे इसमें डेरिवेटिव्स में नहीं लिखोगे आप, अलग से लिख लेना प्राइमरी अमाइन। अमोनिया पूरा चैप्टर कर लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे 6 के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, उनके वन शॉट भी हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा तब। तो इसको देखते हैं, प्राइमरी अमाइन क्या होता है, जैसे अमोनिया है ना, यहां पे आप R लगा दोगे, ठीक है, इस जेड की जगह पर हमने R लगा दिया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया या एलिफेटिक ग्रुप लगा दिया तो। और अगर आप चाहो तो इस अमोनिया को भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NH3 को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है NH2H। अब आप फोकस करो, ये सारे एक फॉर्म में आ गए हैं, सारे के सारे है ना, सब कुछ को, सबको हमने NH2 और जेड की फॉर्म में लिया है। जेड की जगह एच हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NH बेंजीन हो सकता है, NH बेंजीन, NO2 हो सकते हैं, NHCO, NH2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं सर इनकी रिएक्शंस क्या होती है, कैसे होती हैं। देखो आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड कीटोन ऐसा होता है ना,
अब आप इसमें क्या जोड़ दोगे, कोई भी डेरिवेटिव जोड़ लो, ऐसे एन एच टू और ये होगा जेड। यहां पर आप वीकली बेसिक मीडियम लोगे और बेस क्या, सॉरी बेसिक नहीं, एसिडिक मीडियम लोगे, तो एसिड क्या करते हैं यहां से बाहर निकाल देंगे इसको, पानी को माइनस हो जाएगा एच टू ओ और ये आपका प्रोडक्ट बन गया एन और ये जेड। बस ये बताना जरा क्या मुश्किल था इसमें, मैकेनिज्म की तरफ हम नहीं जा रहे, सिंपल समझ रहे हैं ठीक है, मैकेनिज्म जरूरी भी नहीं है। क्या कि आपने H2O को बाहर निकाल दिया, ये सी डबल बॉन्ड एन जेड, बात कर लूंगी क्या मुश्किल है इसमें। अब पहले इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले है हमारे पास कौन से वाला, हाइड्रोक्सीलोमाइन, उसमें आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ ही, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे क्या लगा रहेगा एच सी एस थ्री, ये क्या है एल्डिहाइड है, क्या है ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे एच टू एन ओ एच के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ठीक है। ये चीज बाहर निकलेगी, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, एच टू बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन जनरली आपको कंप्लीट करनी आती है, आपको इतना सेटअप दिया होगा और आप क्या आपको आगे करना होगा, तो समझ जाना ये एच टू बाहर निकलेगा और यहां पे ये क्या बनेगा सी, ये एच, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड, ये एन और ये ओ एच, इट इज कॉल्ड ऑक्साइन, ऑक्साइन एल्डिहाइड ऑक्साइन इसे बोल सकते हो, एल्डिहाइड से बनाया आपने ये। आप चाहो तो इसे क्रिप्टॉन के साथ भी कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे होता है और यहां पे आपने क्या लगा दिए दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दिए, पता है ना सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल होता है, अगर उसका एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा हो रहा तो वो एल्डिहाइड है, अगर उसके दोनों बॉन्ड कार्बन से पूरे हो रहे हैं तो वो कीटोन है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करोगे एच टू एन विद ओ एच ठीक है, एच पॉजिटिव के साथ, तो ये चीज क्या होगी, ये चीज बाहर निकल जाएगी, एच टू बाहर निकल जाएगा, फोकस कीजिएगा, एच टू निकलेगा बाहर, यहां से क्या जाएगा सी एस थ्री, सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन ओ एच, इट इज कॉल्ड कीटोन ऑक्साइन, क्या बोलेंगे इसे कीटोन ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, पहले बारी हो चुकी है रिएक्शन, सारी करेंगे टेंशन मत लो। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो आप, आपके पास ये है एल्डिहाइड ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होगा, ये होगा एनएच टू एनएच टू एसिडिक मीडियम, ये चीज बाहर माइनस हो गया एच टू, यहां पे क्या होता है सी, ये एच, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड एन और ये एन एच टू, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजोन, क्या बोलते हैं इसे हाइड्रोजोन बोलते हैं ठीक है, या फिर एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बोल सकते हो, जिससे आप लोगों ने इसे बनाया है। इसी तरह से रिएक्शन आप लोग कीटोन पे भी अप्लाई कर सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, सी एस थ्री एच टू एन एच टू एन एन एच टू एसिडिक मीडियम, इवन मोस्टली बुक्स के अंदर कीटोन में तो आपको दिखा भी रखा है, तब भी चलेगा ठीक है। नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीक एसिडिक है, इन्होंने बाहर ही जाना है, इन्होंने बाहर निकलना ही है, ये बाहर क्या हो जाएगा एच टू, ये क्या बनेगा सी एस थ्री, सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन और ये एन एच टू, समझते बात, आगे बढ़े। देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन आप लोग लोगे एल्डिहाइड ऐसे, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच ले ले यहां पे, ये भी एल्डिहाइड है बट अवॉइड करना, इसको आपने नहीं लेना ठीक है, आप कम से कम एक कार्बन लगा के वाला एल्डिहाइड होगी सी एस थ्री और यहां पे इसकी रिएक्शन आप करोगे एच टू एन फिनाइल है ना, फिनाइल यानी यहां पे बेंजीन एसिडिक मीडियम माइनस होगा एच टू ओ, पता ही आपको ये चीज बाहर निकल जाएगी यहां से और यहां से क्या बचेगा ये सी, ये एच, ये सी एस थ्री, ये डबल बॉन्ड, ये एन और यहां पर ये आपका बेंजीन जुड़ गया साथ में, क्या दिक्कत है। आगे ऐसे ही आप लोग रिएक्शन कीटोन के लिए भी कर सकते हो, यहां पर सी एस थ्री, सी एस थ्री एच टू एन और ये बेंजीन एसिडिक मीडियम, ये चीज बाहर निकलेगी माइनस हो जाएगा
H2O, ये क्या हो जाएगा CH3, CH3 डबल बॉन्ड एंड गलती हो रही है कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलती हो रही है, ऐसे तो नहीं था। इसको देखो तो ये ऐसे था, ये था ऐसे एन एच टू एन एच ऐसे था, सो सॉरी भाई यहां पर एन एच, यहां पर भी ऐसे नहीं था, ये था एन एच टू, ये तो अमोनिया ही है। अब ये है एक्चुअल में तो एन एच ऐसे, इसको क्या बोलोगे एन, ये एन एच और ये है इस तरह से फिनाइल, इसे क्या बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, फिनाइल हाइड्रोजन है तो ये क्या बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए फिनाइल हाइड्रोजन हो चुका, इस पे चलते हैं। आपके पास यही है एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, HCS3 है। अभी क्या होगा, आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे किसके साथ, ऐसे NH2 NH बेंजीन 2,4-dinitro, यानी यहां पे NO2 और यहां पे NO2 एसिडिक मीडियम, ये चीज ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये ऐसे माइनस हो जाएगा H2, यहां पे H, यहां पे C, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड N, ये NH और ये NO2, ये NO2, क्लियर। अगर ऐसे यहां पे कीटोन होता तब ये रिएक्शन ऐसी हो जाती, इसे क्या बोला जाएगा 2,4-dinitro फिनाइल हाइड्रोजोन, ये जो बनता है ये क्या बनता है फिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट इज सेमी कार्बोजाइड के साथ आपने रिएक्शन करवानी है, तो एल्डिहाइड ऐसे एच सी एस थ्री, अब एल्डिहाइड ले लो कीटोन ले लो, बात रिएक्शन वैसी होनी है। अब सेमी कार्बोजाइड कैसे होता है, ऐसे होता है NH2, अब इसके साथ जुड़ेगा ना NH CO NH2 एसिडिक मीडियम, तो भैया ये चीज निकाल दो आप बाहर, माइनस हो गया यहां से H2, ये C, ये H, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये N, ये NH, ये CO, ये NH2, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, क्या बोलते हैं इसे सेमी कार्बाजोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़े तो ये तो हम कर चुके हैं जो प्रॉपर इसके डेरिवेटिव हैं, अब इनके साथ भी देख लेते हैं बस कैसे रिएक्शन होने वाली है। देखिए आप, ये हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन एच सी एस थ्री, ठीक है, अमाइन की रिएक्शन कराई आपने NH2H, थोड़ा सा इसको गर्म किया, इवन एसिडिक मीडियम की भी जुटते हैं, गर्म भी करो तब भी काम चलेगा, ये चीज यहां से बाहर निकलेगी, माइनस क्या हो गया H2O, ये बन गया H, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये N और ये H, इट इज कॉल्ड इमाइन या इमीन इसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर आप अमोनिया के साथ करा रहे तो क्या बन जाता है इमीन बन जाता है। आगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन कुछ ऐसे लिख दें, ये तो NH2 है CH3 है, सारे रिएक्शन इतनी सिंपल किए हैं भैया, क्या करना पानी से बाहर निकालना है अपने को, क्या बस यहां से पानी निकाल देना है और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। बाहर निकल गया वो, ये क्या बन गया, ये H, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड N और ये CH3, इट इज कॉल्ड सिचअप बेस, इट इज कॉल्ड सिचअप बेस। और इसी तरह से ये रिएक्शन आप लोग बेंजल्डिहाइड में भी कर सकते हो, ठीक है, लाइक ऐसे किया हमने सी डबल बॉन्ड को ऐसे, ये बेंजीन ग्रुप लगाया यहाँ पे, ये बेंजल्डिहाइड है, और ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पे एनिलीन लिया, एनिलीन NH2 ऐसे, भैया हर जगह पे देखो ना यार NH2 तो फिक्स ही रहे हर बार, ठीक है, सभी रिएक्शन में एक ही तरीका तो हमने फॉलो किया है, कुछ और तो फॉलो ही नहीं किया, बार बार क्या करते गए, सिर्फ H2 बाहर निकालते गए, निकाल दो भाई H2 बाहर, क्या निकलेगा H2 बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा H C, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये N,
बेंजल एनिलीन एंड ये भी एक सिस्टर बेस है, सिर्फ बेस बोल सकते हो, सिर्फ बेस सिस्टर बेस ऐसे। तो जब आप अमोनिया के साथ कराते हो एल्डिहाइड की रिएक्शन तो अमाइन बनता है, और जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ, तब क्या बनता है, सिर्फ बेस बनता है। और यही सारी की सारी रिएक्शन है अमोनिया के और इसके डेरिवेटिव्स की। अच्छे से इनके नोट्स बनाओ, याद करो, ऑर्गेनिक का मैंने बताया ना, रिविजन मांगती है ऑर्गेनिक। आप ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, आपको मैंने पढ़ा रहा हूं समझ में आ गया और काम चल जाएगा, पेपर तक याद रहेगा, ऐसा नहीं है। अब ये कोई फिल्म तो है नहीं, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, माइंड में सेट हो जाता है, ये कार्बन है, पानी निकल गया, इससे हमें क्या मतलब, हमारे दिमाग को क्या मतलब, बट हमारे फ्यूचर को मतलब है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जुट जाइए और जल्दी से चैप्टर को निपटाते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं वो सुपर रिविजन बैच को ज्वाइन कर सकते।